हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लोग अंगूठे में रिंग या छल्ला क्यों पहनते हैं, क्या ये पहनना फ़ायदेमंद है या इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, इसी बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात दोस्तों, आपके कोई भी दो प्रश्न हो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित, वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये तीनों चीज़ें मेंशन कर दें, हम आपको इनका जवाब देंगे, आपको समाधान बताएंगे, बशर्ते कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हो। वो हम चेक करके आपका जो भी प्रश्न रहेंगे हम उसके जवाब दे देंगे। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं लोग अंगूठे में छल्ला या रिंग क्यों पहनते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं एक बता दूं कि बाकी जो हम जेमस्टोन पहनते हैं या रत्न पहनते हैं, हम उंगलियों में पहनते हैं। जैसे हम बृहस्पति के लिए पहनने हैं तर्जनी उंगली में पुखराज पहनते हैं, फिर हम शनि के लिए या सूर्य के लिए पहनते हैं तो हम अक्सर देखा होगा सूर्य के लिए जो पहनते हैं वो रिंग फिंगर में पहनते हैं, नीलम जो पहने हैं वो मिडिल फिंगर में पहनते हैं, बीच वाली उंगली में, और पन्ना है वो सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है, मोती भी इसी में पहना जाता है, लहसुनिया है वो आपकी रिंग फिंगर पहना जाता है, हीरा है आपका वो भी रिंग फिंगर में पहना जाता है। तो ठीक उसी तरह ये जो उंगलियां हैं ग्रह, हर ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि एक आपकी कोई भी उंगली है, इसकी जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, ये आपके दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करती हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके इमोशंस हैं, इमोशंस के लिए कौन सा प्लैनेट है, चंद्रमा। चंद्रमा की अंगूठी हम किस में पहनते हैं, सबसे छोटी तर्जनी, सबसे छोटी उंगली में पहनते हैं हम, कनिष्ठा में इस उंगली में पहनते हो, तो इस उंगली की जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, ये आपके ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में एक्टिवेट हो जाती है। लेफ्ट पार्ट में जाके जो आपकी दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं, जो हिस्सा आपका इमोशन से संबंधित है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप बैलेंस हो जाते हो, ठीक वैसे ही काम करता है। तो आपका जो अंगूठे में आप लोग छल्ला पहनते हो या रिंग पहनते हो, उसका भी प्रभाव ये है कि ये अंगूठा पहना जाता है तो अंगूठा शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसके नीचे का जो हिस्सा होता है, अंगूठे के नीचे का हिस्सा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं शुक्र पर्वत। इसका मतलब ये हुआ, हस्तरेखा में इसे देखा जाता है कि इसकी स्थिति क्या है, ये ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, ये ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, ये बैलेंस होना चाहिए तभी शुक्र सही होता है। ये दबा हुआ है तो भी गलत है, ज़्यादा उठा हुआ है तो भी गलत है। अब छल्ला पहनने से यहाँ पे क्या लाभ होता है, छल्ला पहनने से ये होगा, शुक्र आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपकी ज़िंदगी को ढंग से जीने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है बाकी सभी प्लैनेट के कंपैरिजन में। वो लग्जरी का कारक है, आपके आपका जो विलासतापूर्ण जीवन है, जो सुख सुविधाओं का जीवन है, चमक धमक, बढ़िया खाना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं घर की, नौकर चाकर, आपके अच्छे रिलेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब को लेके आप शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर शुक्र आपके जीवन में कुंडली में कमज़ोर है, या आपकी आप हस्तरेखा से भी देख सकते हो, शुक्र अगर कमज़ोर है तो आपके जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी, वो पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी चीज़, ना भोग विलास में आपका मन रहेगा, ना अच्छा खाना खाने को मन करेगा, ना अच्छे कपड़े पहनने को मन करेगा, ना प्रॉपर्टी होगी, ना गाड़ियाँ होंगी, जीवन आप कितना भी कमा लो अगर शुक्र कमज़ोर है तो आप इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाओगे। आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट जॉब है, जिन लोगों के पास सूर्य बहुत अच्छा ग्रह है, मंगल ग्रह अच्छा है, दोनों ने गवर्नमेंट जॉब दे दी, लेकिन आपने देखा है गवर्नमेंट जॉब में ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे वो खुद अपने आप पे खर्च करते ही नहीं है, बिजनेस में भी मिलेंगे आपसे वो आपको सरकारी नौकरी मिलेंगे, प्राइवेट में मिलेंगे, वो लोग खूब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन पैसा या तो उनकी फैमिली यूज़ कर रही है, या रिलेटिव यूज़ कर लें, या इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो आप तो इंटरेस्ट से पैसे से पैसा ही कमा रहे हो, यूज़ तो नहीं कर रहे उसको,
वो स्थिति उन लोगों की होती है जिनका शुक्र खराब होता है। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अपना है, पेपर पे मालिक है, रियल लाइफ में कोई और ही उस पर एंजॉय करता है। ये स्थिति खराब शुक्र वालों की है। जिन लोगों का शुक्र खराब है या शुक्र पर्वत दबा हुआ है, उनके साथ जो समस्याएं होंगी, एक तो ये उनके वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब मिलेगा, उनको भोग विलास की चीज़ों में कोई रुचि नहीं मिलेगी, उनको सेक्सुअल डिसीज़ मिलेंगी, जीवन में सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनको तड़क भड़क या चमक या शौफ की चीज़ें या ज्वेलरी हो गई, फूड रेस्टोरेंट खाने पीने की चीज़ें, परफ्यूम सेंट क्रीम कॉस्मेटिक्स, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये आपके दबे हुए शुक्र की निशानियाँ हैं और यही चीज़ आपको जीवन में हताश और निराश बना देती है। तो अगर आपका शुक्र सही नहीं है और आपने यहाँ पे रिंग पहना हुआ है तो आप सोच समझ कर पहनिए। अच्छा है तो फल दे ही रहा है, फिर तो आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो भी आप पहले एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिए, शुक्र की स्थिति जान लीजिए। शुक्र सही है या सही अवस्था में है तो ही पहना जाएगा, अपनी मर्जी से उठाया कोई भी छल्ला डाल लिया वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि शुक्र की दो ही मेटल हैं, एक चांदी और एक प्लेटिनम। इन दो मेटल के अलावा इस अंगूठे में आप कोई भी रिंग या छल्ला नहीं डाल सकते, डालना है तो पूछ कर डालना है। और तभी, क्योंकि शुक्र अगर स्वयं खराब है आपकी कुंडली में या आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में शुक्र खराब है, तो आप चांदी धारण नहीं कर सकते, आपको डोनेशन करनी होती है, वो आप शरीर में कहीं भी धारण नहीं कर सकते। अगर आपका शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति में है तो अभी आपको यहाँ पे प्लेटिनम या चांदी की अंगूठी धारण नहीं करनी है, क्योंकि वो अपना काम ऑलरेडी कर रहा है। अगर आपने पहना, वो पहले से अच्छा है, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव होने से क्या है, फॉर एग्जांपल अभी आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन बाद में आपके, अगर आपने डाला, हो सकता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, हो सकता है अब आप बैलेंस खाते हो, फिर बाद में आप ज़्यादा वैरायटी खाने लग जाए और आपकी हेल्थ खराब हो जाए। आप अभी ज़्यादा बुक पढ़ते हो या टीवी देखते हो, वो लिमिट में देख रहे हो, बैलेंस से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने वो पहना और हाइपर एक्टिव हो गया, तो या तो आप बुक ज़्यादा ही पढ़ने लग जाओगे, या ज़्यादा सिनेमा में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, या ज़्यादा घूमने फिरने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे आपका बिजनेस या आपकी नौकरी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो गलत है तो भी, सही है तो भी, बिना कंसल्टेशन के आप ये मत पहनिए। अगर ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ तो ये आपको बिल्कुल दरिद्र बना देगा, गरीब बना देगा, रोड पे ला देगा, आपके पास चाहे करोड़ों का एम्पायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला शुक्र इतनी कैपेसिटी रखता है, जीवन में सारी सुविधाएं छीन लेगा, आपको बिल्कुल लाइफ में ऐसी स्थिति पे ला के खड़ा कर देगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी ग्रह काम नहीं आएगा। शुक्र का मतलब है ये आपकी भौतिक जीवन में समृद्धि, सीधा सा मतलब है। अब आप देख लो, भौतिक समृद्धि इससे जुड़ी हुई है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें, ज्योतिष की सलाह लें तभी उसके बाद पहने। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।